जय माँ गायत्री। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट और आज हम बात करेंगे चेतना को कुशाग्र करने की प्राचीन माँ गायत्री की विधि आखिर क्या है। देखिए, चेतना का अग्रसर होना एक बेहद ही सामान्य प्रक्रिया है। जब आप पहली बार इस धरती पर आते हैं, जब आप जन्म लेते हैं, उस वक्त आपकी चेतना पूरी तरह से शून्य होती है। आप पूरा जीवन अपने समाज से क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या सीखना है, इसी आधार पर जीते हैं और आप में खुद की चेतना नहीं होती है। मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं। देखिए, जब आप गलतियां करते हैं तो आपको कष्ट मिलता है, जाहिर सी बात है, गलती करेंगे तो कष्ट मिलेगा। और आप सही गलत का फर्क पता कर पाते हैं। जब हम गलती करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने कौन सा गलत कदम उठा दिया है। आप ये फर्क और सुधार चेतन मन से नहीं, अवचेतन मन से करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आप सुधर रहे हैं और लगातार कोशिश करते करते चीजें बेहतर हो जाती हैं। देखिए, आप जीवन भर इसी प्रकार परिवर्तित होते रहते हैं और ये चक्र जन्म जन्मांतर तक यूं ही चलता रहता है। और आप याददाश्त आपके पास नहीं रहती, लेकिन संस्कार आपके पास रह जाते हैं। जन्मों पुराने यदि बात करें तो ऐसा कोई बहुत ही मुश्किल ऐसे अपवाद ही होंगे या एक या दो ऐसे लोग होंगे जिनको अपने पिछले जन्म की कुछ याद होगी, लेकिन अगर हम बात करें याददाश्त की तो याददाश्त नहीं रहेगी, लेकिन संस्कार वो रहते हैं। संस्कार इसलिए रहते हैं क्योंकि संस्कार जब से हम इस धरती पर आए हैं तब से हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे सनातन धर्म के द्वारा जो संस्कार है वो हमें मिलते हैं। देखिए, बात यहां पर धर्म की नहीं है, आध्यात्म की है। आध्यात्म का अर्थ ही है खुद को जानना। आखिर हम खुद को कैसे जाने, कैसे पहचाने? अपनी चेतना को विस्तार करने के लिए कुछ अभ्यास है, लेकिन ये अभ्यास आप अकेले नहीं कर सकते। अगर ये अभ्यास आप अकेले करेंगे तो ये काम नहीं आएगा। इसके लिए हमें माँ गायत्री की सहायता लेनी होगी। उनके आशीर्वाद के बाद से ही चेतना को जागृत किया जा सकता है। देखिए, माँ गायत्री की प्राचीन विधि के अनुसार सबसे पहले अपने दिमाग को धीमा करने के लिए एक ध्यान अभ्यास शुरू करना होगा। जैसे कि प्राचीन जो ऋषि मुनि योग करते थे, योग आज के दौर में हमें भी करना चाहिए, आपको करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। इससे आप अधिक गहराई से ध्यान केंद्रित करेंगे और ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। और आप ये कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि हाँ, धीरे धीरे परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है। आपके भीतर और आसपास आखिर क्या चल रहा है महसूस करने की कोशिश करिए। अपने अभ्यास के लिए दिन एक विशिष्ट समय को अलग से रखना सबसे बेहतर होता है। मान लीजिए कि आप नौकरी पेशा हैं, आप काम करते हैं, तो आप एक दिन तय कर लीजिए कि मुझे इस दिन ये साधना करनी है या इस दिन मुझे योग करना है, तो उस दिन आप फ्री रहिएगा, एक समय तय कर लीजिए। कोशिश ये करिएगा कि उन घटनाओं पर आप ध्यान दें जो आपके सामने मौजूद घटनाओं और स्थितियों पर प्रतिक्रिया करती हैं। जैसे कि क्या आप स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, क्या आप बाहरी घटनाओं का मूल्यांकन करने के लिए समय लेते हैं और सचेत रूप से प्रतिक्रिया देते हैं। मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर आपके सामने 2 से 3 दिन पहले कोई सड़क दुर्घटना हुई है, आपने उसको देखा, लेकिन क्या आप अभी भी इस स्थिति में है कि मैं उसको दोहरा सकूं, इस स्थिति में है कि आप ये बता सके कि कौन गलत था उसमें और कौन गलत नहीं था? ये चीजें हमें बहुत साफ होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि आखिर हमें किस और जाना है। ये एक ऐसी गतिविधि है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए हर दिन, मैं तो कहता हूं कि पूरे दिन आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इस बीच आप लगातार और बार बार मन ही मन माँ गायत्री के मंत्र का जाप करें। देखिए, जब तक आप माँ गायत्री के मंत्र का जाप नहीं करेंगे तब तक जो आपकी ये प्रक्रिया है ये सही दिशा में नहीं चलेगी। हम यहाँ क्यों हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ इसीलिए हैं कि हम अपना आत्म मंथन कर सके। मन ही मन माँ गायत्री का मंत्र यदि आप जाप करेंगे तो आपका जो मंथन है, जो चिंतन है, वो सही दिशा में आगे बढ़ेगा। याद रखिए, जितना आप ध्यान लगाएंगे उतना ही आपकी चेतना को एकाग्र होने में मदद मिलेगी। आप अपने आप से सवाल करिए कि आखिर आप कौन हैं, आप इस धरती पर किस लिए आए हैं। अधिक जानने की कोशिश करिए, अपनी चेतना को विस्तार करने की कोशिश करिए, अभ्यास लगातार करते जाइए। जब भी आप ये अभ्यास करें उस वक्त आप ध्यान रखिएगा कि माँ गायत्री के मंत्र जरूर आपको दिलो दिमाग में रखने हैं। आप कोशिश कर सकते हैं कि दैनिक पत्रकारिता करिए, खुद को बेहतर करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। ये मेरे कहने का ये मतलब है कि हर दिन आप 10 मिनट लिखिए
यहाँ आप लेखन के लिए कुछ सोचा शुरुआत कर रहे हैं और लिखिए, कोई एक विषय तय कर लीजिए कि मुझे इस विषय पर लिखना है, कि जैसे मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ, उनका अधिक से अधिक उपयोग अपनी क्षमताओं का मैं कैसे कर सकता हूँ, अपना ज्यादा से ज्यादा उपयोग मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने, अगर नौकरी पेशा है मैं काम कर रहा हूं तो कैसे मैं अपने दफ्तर को बेहतर दे सकता हूँ, मेरे विभाग को बेहतर दे सकता हूँ, सनातन धर्म के लिए क्या कर सकता हूँ, मानसिक आध्यात्मिक भावनात्मक शारीरिक रूप से आखिर मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, सब पर आप चिंतन मनन करिए। मुझे क्या परेशान कर रहा है और दिन के अंत में अच्छा महसूस करने के लिए मैं आज क्या कर सकता हूँ। कोशिश करिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में माँ गायत्री को जरूर आप याद रखें। देखिए, अपनी यात्रा के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करने के लिए और अपने चारों ओर जब भी आप माँ गायत्री के मंत्र का जप करते हैं उस वक्त आपके आसपास एक आवरण बन जाता है, एक उच्च चेतना का क्षेत्र बन जाता है, जिसके बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि जो आपके जीवन चक्र की ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो आपके साथ ही है, उसी जगह पर है। आप ये भी कोशिश करिए कि जैसे दिनचर्या की हम बात करें तो मोबाइल आज के दौर की जरूरत बन गया है, थोड़ी देर के लिए मोबाइल को दूर रखें। ऐसा कोशिश करिए कि ना ही मोबाइल मेरे आसपास है, ना ही टीवी मेरे आसपास है, ना ही रेडियो, ना ही ऐसा कोई यंत्र कि यदि मैं उसको सुन लूं, यदि कोई ऐसा करे, यदि कोई मेरा फोन भी आता है मैं उठाता हूँ ध्यान भंग हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उस वक्त आपके साथ कुछ ना हो। दिन में कुछ समय के लिए आप अपने आप को दें, अपने फोन से आप दूर रहिए, सूक्ष्म अंतरों पर ध्यान देना सुनिश्चित करिए, अपनी भावनाओं पर ध्यान दीजिए, सोचिए कि आज मैंने क्या किया, आज मैं कैसे बेहतर कर सकता था, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए, आप कितनी गहराई तक अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं, आप कितनी अच्छी तरीके से सो रहे हैं, कितने आंतरिक भाव महसूस कर रहे हैं, आपकी आंतरिक शांति का स्तर आखिर क्या है। यदि आपके घर में कोई पालतू जानवर है या आपके घर में बढ़ी हुई ऊर्जा को जवाब आप कैसे देते हैं, जब बहुत छोटी छोटी बात है, यदि कोई पालतू जानवर है तो उसके साथ वक्त आप बिताइएगा, कोशिश करिए कि यह आपसे इतना प्यार क्यों करता है, क्योंकि आप उसका ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातों पर आप उसका ध्यान रखते हैं, उसको खाने को देते हैं, इसके अलावा आप घुमाने ले जाते हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यही बातें आपकी चेतना को आगे बढ़ाती हैं। देखिए, मैंने पालतू जानवर का जिक्र यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि हमसे सवाल लोग जरूर करेंगे कि आखिर पालतू जानवर का जिक्र क्यों किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि पालतू जानवर यदि आपके घर में रहता है तो आप कुछ देर के लिए अपने मोबाइल से, अपने दिनचर्या से दूर होकर सिर्फ उसके साथ वक्त बिताएं। देखिए, वो बोल नहीं सकता लेकिन वो समझा सकता है कि मैं क्या चाहता हूं और आप कितने बेहतर तरीके से उसे समझ रहे हैं। आज के दौर में कई ऐसे लोग हैं जो कि पालतू जानवरों को रखना बहुत पसंद करते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा महसूस होता है उनको। तो कोशिश यहां पर यही होनी चाहिए कि हम बाहरी दुनिया से थोड़ी देर के लिए कटें और हम अपने आप में रहें, अपने आप को वक्त दें, अपनी आप की कोशिश करें कि हमारी जो ऊर्जा है वो कैसे बढ़ सकती है। इसका सबसे बेहतर माध्यम है आपको योग करना है, आपको प्राणायाम करना है, आपको माँ गायत्री के मंत्र का जप करना है और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आप ध्यान लगाइए, जितना ध्यान लगाएंगे, जितनी ज्यादा देर के लिए ध्यान लगाएंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। कई दफा ये होता है कि हम जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लग पाता, इसको लेकर भी पहले काफी वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा ध्यान भटकने लगता है, हमारा मन चंचल है, मन हमारा एकाग्र होना चाहिए और उसके बाद ही हमारी चीजें आगे बढ़ सकती है, उसके बाद ही हमें ये पता चलेगा कि आखिर हम एक फोकस्ड कैसे रह सकते हैं, हम एकाग्र कैसे रह सकते हैं। आप इस प्रक्रिया को करिए और एक दिन तय कर लीजिए, हफ्ते में कोई भी दिन हो, कोशिश करिए कि शुरुआत आप बहुत 5 मिनट से करें, 10 मिनट से करें, धीरे धीरे इसको कोशिश करते करते बढ़ाते जाइए। ये मैं आपको बता दूं कि बहुत मुश्किल रहने वाला है क्योंकि एकदम से ध्यान लगाना काफी अलग चीज हो जाती है, लेकिन कोशिश करिए और कोशिश करते करते आपको एक दिन महसूस होगा कि हाँ, जो मेरे अंदर की आंतरिक ऊर्जा है वो तेजी से बढ़ रही है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए और यदि कोई दिल दिमाग में सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके सही जवाब आप तक पहुंचाएं। जय मां गायत्री।